सोनकच्छ नगर में खाद्य या राजस्व और नापतोल विभाग के द्वारा होटल दूध डेयरी एवं मिठाई के दुकान पर संयुक्त कार्यवाही करते दूध मिठाई मावे पनीर के सैंपल लिए, साथ ही एक होटल में घरेलू गैस टंकी का उपयोग करने पर गैस टंकी जब्त की गई। टीम की कार्यवाही, दुकानदारों में हड़कंप मच गया। कई दुकानदार दुकान बंद कर भाग खड़े हुए। सोनकच्छ नगर में दीपावली पर्व को देखते हुए राजस्व विभाग की नायाब तहसीलदार रुचि गोयल, खाद्याधिकारी सुरेंद्र सिंह ठाकुर एवं नापतोल विभाग के एस ए खान के द्वारा संयुक्त रूप से टीम बनाकर दूध डेयरी होटल एवं मिठाई की दुकान पर अचानक छापेमार कार्यवाही करते हुए दूध मिठाई पनीर मावे के सैंपल लिए, साथ ही एक होटल घरेलू गैस टंकी का उपयोग करते हुए पाए जाने पर जब्त करते हुए होटल संचालक के विरुद्ध कार्यवाही की गई। अचानक हुई कार्यवाही से कई लोग अपनी दुकानें बंद कर भाग खड़े हुए। टीम की आज दिन कार्यवाही जारी रही। लिए गए सैंपल को लेकर लेब में टेस्टिंग के लिए भेजा जाएगा। अगर किसी सैंपल में मिलावट पाई जाती है उस दुकानदार के विरुद्ध प्रकरण बनाकर न्यायालय में पेश किया जाएगा। कितने विभागों ने मिलकर कार्रवाई की और कितने प्रतिष्ठानों पे क्या कार्रवाई की गई अब तक? आज हम लोग टीम गठित की गई त्योहारों को ध्यान में रखते हुए आज सोनकच्छ शहर में हम लोगों ने कार्रवाई की है। नापतोल और खाद्य मौके प्रशासन और रेवेन्यू की जो मैडम है तहसीलदार, उनके साथ हम लोगों ने कार्रवाई की। तीन डेयरियों पे हमने दूध के सैंपल लिए हैं और पिपलेश्वर रबड़ी वाले हैं उनके अंदर गुलाब जामुन का सैंपल लिया है और जो पाटीदार मिठाई सेंटर है वहाँ से हम लोगों ने दो मावा बर्फी और मीठा मावा का सैंपल लिया है और राजस्थान स्वीट से हम लोगों ने बर्फी का सैंपल लिया है।